नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सैमसंग कंपनी का सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, जिसकी कैपेसिटी काफ़ी बड़ी रहेगी। यानी कि सैमसंग का सिंगल डोर के अंदर ये सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर रहने वाला है दोस्तों, जो कि 246 लीटर के अंदर रहेगा। इसके अंदर हम देखते हैं सबसे पहले इसका लुक। तो लुक जो आ जाएगा इसका पर्पल कलर आ जाएगा, जो कि प्रिंटेड फ्लावर कलर के अंदर रहेगा। इसकी लुकिंग काफ़ी अच्छी लगेगी दोस्तों। और इसका डोर का लुक अगर आप देखेंगे तो इस तरह से बनाया हुआ इसका सिंगल डोर का लुक, जैसे कि डबल डोर का रेफ्रिजरेटर हो। जैसे आप देखेंगे तो सामने ही आपको लुकिंग मिल जाएगी, जैसे कि ये वाला जो रेफ्रिजरेटर है सिंगल डोर, ये डबल डोर के लुक के अंदर हो, तो लुकिंग बहुत ही अच्छी मिल जाएगी इस रेफ्रिजरेटर की। हैंडल आप देखेंगे तो स्टील कलर के अंदर इसका हैंडल मिल जाएगा, और हैंडल में इन्होंने दे दिया डोर लॉक का ऑप्शन भी दोस्तों। तो इस रेफ्रिजरेटर का आपको डोर लॉक का ऑप्शन भी मिल जाएगा। इसके अंदर हम देखते हैं तो सैमसंग का सबसे पहले हमें लोगो देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें स्टार रेटिंग की। तो ये हमें मिल जाता है दोस्तों 3 स्टार रेटिंग के अंदर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है, लेस नॉइस रहेगी दोस्तों इसके अंदर, लेस पावर कंजप्शन करेगा दोस्तों ये। साथ में हम देखते हैं तो ये 174 यूनिट कंज्यूम करता है एक साल के अंदर। यानी कि अगर हम इस रेफ्रिजरेटर को ऑन, जैसे कि हम रेफ्रिजरेटर नॉर्मली हम ऑन करके रखते हैं, कभी हम बंद तो करते नहीं है, तो पूरे साल के अंदर जो कंज्यूम करेगा 174 यूनिट ही कंज्यूम करेगा दोस्तों। लेवल पीरियड नया वाला रहेगा, जो कि 2023 का मॉडल रहने वाला है दोस्तों। ये मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये मॉडल आ जाएगा दोस्तों RR26C3753CR। ये 2023 का नया वाला मॉडल रहेगा। कैपेसिटी रहेगी इसकी 246 लीटर। अब ना टोटल वॉल्यूम लिखा हुआ था, जैसे पहले ग्रॉस वॉल्यूम आता था, फिर नेट वॉल्यूम लिखा हुआ आता था, अब आपको ना नेट वॉल्यूम ही देखने के लिए मिलेगी, जो इसमें आपको कैपेसिटी यूज करने के लिए मिलेगी, आपको ओनली ऑन ओनली वही कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। साथ में देखते हैं तो ये स्टीकर आ जाएगा उसके ऊपर। जितने भी दोस्तों 2023 के रेफ्रिजरेटर हैं, सभी में आपको स्टीकर पेस्ट मिलेगा। स्टीकर का इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप अपने फोन से आप स्टीकर को इसको स्कैन करेंगे तो इस रेफ्रिजरेटर के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि इसके लेवल पीरियड के बारे में, कितने स्टार रेटिंग के अंदर है रेफ्रिजरेटर, कितनी यूनिट कंज्यूम करेगा, इस रेफ्रिजरेटर का मॉडल नंबर, ये आपको सब कुछ जानकारी मिल जाएगी एक छोटे से QR कोड के थ्रू। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के गवर्नमेंट के द्वारा, संस्था के द्वारा ये स्टीकर बनाया जाता है दोस्तों। साथ में हम देखते हैं तो इसके कंप्रेसर, तो इसका जो कंप्रेसर की वारंटी रहेगी, सबसे ज़्यादा आपको वारंटी मिलेगी सैमसंग के रेफ्रिजरेटर की, इसकी वारंटी रहेगी दोस्तों 20 साल की। इसका जो कंप्रेसर रहेगा उसकी कंपनी 20 साल की वारंटी दे रही है, और ये डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर के अंदर रहेगा। डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट दोस्तों इस तरह से मिलता है कि इसका जो कंप्रेसर रहेगा वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्रेसर है, जो कि लाइट भी कम कंज्यूम करता है और लेस नॉइस करता है दोस्तों वो, और उस मोर ड्यूरेबल हो जाता है, यानी कि उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, लॉन्ग टाइम तक इजीली चल जाता है। और इसका जो कंप्रेसर रहेगा, इनकेस कभी लाइट हमारी कट हो भी जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके होम इन्वर्टर पर ऑटोमेटिक ये कनेक्ट हो जाएगा ये वाला रेफ्रिजरेटर, और कनेक्ट होने के बाद में भी बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। कंपनी लिख के देती है कि 2 CFL के बराबर ही लाइट कंज्यूम करेगा आपका जब होम इन्वर्टर पे कनेक्ट होगा। साथ में देखते हैं तो ये वाला जो रेफ्रिजरेटर रहेगा दोस्तों, ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन रहेगा, यानी कि इस वाले रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है। फ्लक्चुएशन कंट्रोलर भी दिखाया हुआ है कि 100 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक इस रेफ्रिजरेटर के अंदर अगर लाइट आती भी है तो इसके PCB आके किसी भी चीज के अंदर आपको इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी। जनरली हम देखते हैं तो 200-220 ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है दोस्तों। साथ में देखते हैं तो कंपनी एक बहुत अच्छी चीज इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी आपको, इसके अंदर 21 साल तक रिलायबिलिटी दी हुई है इसका जो कंप्रेसर है वो। एक संस्था होती है जो टेस्ट करती है सभी कंपनियों के कंप्रेसर, तो एक उस संस्था ने टेस्टेड बाय VD, ये एक संस्था का नाम है, इन्होंने इसका कंप्रेसर टेस्ट किया है कि 21 साल तक इनके कंप्रेसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ये 20 साल की ऑलरेडी कंपनी वारंटी दे भी रही है, और इसकी लाइफ है कि 21 साल के इसके कंप्रेसर की लाइफ है, 21 साल तक के इसके कंप्रेसर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है दोस्तों। अब हम देखते हैं इसका इंटरनल लुक इस वाले रेफ्रिजरेटर का। तो लुक की हम देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं तो इसके अंदर हम बात करते हैं सिंगल डोर के अंदर इसके फ्रिज कंपार्टमेंट की, फ्रीजर कंपार्टमेंट की दोस्तों हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि सिंगल डोर के अंदर जो कूलिंग होती है वो होती है फ्रीजर कंपार्टमेंट के थ्रू ही।
ये जो कंपार्टमेंट होगा दोस्तों, इसी के थ्रू ही पूरे सेक्शन के अंदर आपको कूलिंग मिलती है। साइज काफी अच्छा मिल जाएगा इसके अंदर आपको, क्योंकि कूलिंग जो होती है इसके अंदर वो इसी के थ्रू होती है, तो कूलिंग काफी अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर, काफी बढ़िया क्वालिटी रहेगी सुपर फ्रिज फ्रिज जोन के साथ। इसका बेनिफिट ये मिल जाता है कि आइस मेकिंग जो होती है काफी अच्छी हो जाती है इसके अंदर, टफंड आइस मिल जाती है इसके अंदर हमें। साथ में अब हम देखते हैं तो इसमें जो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है दोस्तों सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो आती है कि चारों तरफ इसमें ना आइस जम जाती है। तो हमें ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अपने रेफ्रिजरेटर के रिगार्डिंग। हमें कभी भी रेफ्रिजरेटर की जो आइस यहाँ जम जाती है इसके अंदर, हमें जैसे हम नॉर्मली चाकू वगैरह छुटा देते हैं, तो उस तरह से ना छुटाएं, क्योंकि छुटाने की वजह से इसके अंदर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से गैस निकल जाती है। हमेशा यही प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है सिंगल डोर के अंदर दोस्तों, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। कंपनी भी इस चीज़ का ख्याल रखती है कि आप उसको चाकू वगैरह से ना छुटाएं, डिफ्रॉस्ट करें। अब डिफ्रॉस्ट कैसे करते हैं दोस्तों, ये जो पुश बटन है बीच में, इसको हमें प्रेस कर देना होता है, कुछ घंटे के अंदर अंदर जितनी भी हमारी आइस जमी हुई थी उसे मेल्ट करके ड्रेन आउट कर देता है दोस्तों। तो इस चीज को आप 4 से 5 दिन में कंटिन्यू करते रहिए, आपके फ्रिज की लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी, लॉन्ग लाइफ तक आपका फ्रिज आराम से चलता रहेगा। ये टेम्परेचर कंट्रोलर की नो भी रहती है, इसी से आप डिफ्रॉस्ट कर लेंगे, इसी से आप टेम्परेचर भी आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आप अपने अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर रखना चाहते हैं आप अपना टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग भी इसके अंदर सेट कर सकते हैं दोस्तों। अपने जितनी भी हमारी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ये भी कर सकते हैं। बाकी हम देखते हैं इसके अंदर, अब इसमें हमें जो मिल जाता है दोस्तों ये होता है चिलर सेक्शन। चिलर सेक्शन के अंदर आप जैसे दूध है, दही है, चॉकलेट है, आप इजीली है स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद हम देखते हैं इसकी सेल्फ, तो ये टफंड ग्लास की सेल्फ आ जाएंगी, जो कि 4 सेल्फ मिल जाएंगे दोस्तों आपको देखने के लिए। टफंड ग्लास की हम बात इसके अंदर इसलिए करते हैं क्योंकि ये मोर ड्यूरेबल होता है, और पहले जैसे आपको जो मिलती थी वो लोहे वाली जो आती थी उसके अंदर हमारा कुछ सामान कभी गिर भी जाता था तो पूरा रेफ्रिजरेटर आपका गंदा हो जाता था, उस तरह की इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। टफन ग्लास है, हैवी वेट इसके अंदर आप रख सकते हैं दोस्तों, तो ये डैमेज होने के चांसेस इसके नहीं होते, और ये एडजस्टेबल सेल्फ के साथ में, यानी कि इस वाली सेल्फ को निकाल के आप यहाँ यूज कर सकते हैं, इस तरह से इस वाली को भी आप, यानी कि जैसे हमारे बड़े बाउल है तो आप बाउलों के अकॉर्डिंग भी आप इसके अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हम इसके अंदर देखते हैं तो नॉर्मली आपको जो एलईडी बल्ब देखने के लिए मिलता था दोस्तों किसी भी रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलता था। अब कंपनी ने डायरेक्टली जैसे डबल डोर के अंदर आता है सेम एज वैसे दे दिया सामने की तरफ। इसके अंदर ये 0 वॉट का होता है, जैसे हम ओपन करेंगे तो पूरे के पूरे फ्रिज में आपको ब्राइट एलईडी मिल जाएगी इसके अंदर। ये बहुत चेंज किया है कंपनी ने इसी साल, लास्ट ईयर भी आपको वहां देखने के लिए मिलता था इसके अंदर, लेकिन इस साल कंपनी ने ये भी चेंजेस किया है इसके अंदर। इसके बाद हम देखते हैं तो इसका वेजिटेबल बॉक्स, तो ये आ जाएगा इसका वेजिटेबल बॉक्स। वेजिटेबल बॉक्स जैसे जितना बड़ा साइज उस हिसाब से छोटा है ये, तो वेजिटेबल बॉक्स इसमें छोटा देखने को मिलेगा, यानी कि ये मिलेगा आपको 13 लीटर का वेजिटेबल बॉक्स रहेगा इसके अंदर। और इसके ऊपर भी इन्होंने टफन ग्लास सेल्फ दी थी, जैसे पहले प्लास्टिक की आती थी वो डैमेज हो जाती थी, तो उस तरह की समस्या भी नहीं मिलेगी, कितने भी आप हैवी वेट इसके ऊपर रख लो लॉन्ग लाइफ तक ये भी अच्छा बढ़िया चल जाएगा दोस्तों आपका। इसी के अंदर आपको वारंटी कार्ड और यूजर मैनुअल मिल जाएगा, जैसे कि आपको अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से यूज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग से यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसके डोर बिन की अगर हम बात करते हैं, तो डोर में भी दोस्तों आपको काफी अच्छा स्पेस मिल जाएगा इसके अंदर। डोर में स्पेस की हम बात करते हैं तो एक तो ऊपर हमें रैक मिल जाएगी, नीचे हम देखेंगे तो 2 मिल जाएंगी एग ट्रे इसके अंदर, जो कि इनबिल्ट रहेंगी इसी के अंदर ही, ये 2 एग ट्रे भी आ जाएंगी। इन्हें भी आप रिमूव करके वॉश करके साफ करके यूज कर सकते हैं, और इसके अंदर हमें मिल जाएंगे 2, जैसे कि गर्मियों के सीजन में हमें ठंडे पानी की ज्यादा जरूरत होती है, 2 सेल्फ मिल जाएंगे हमें इसके अंदर ठंडे पानी की बोतल की रैक के लिए भी, आप यहाँ स्टोर कर सकते हैं, यहाँ भी स्टोर कर सकते हैं। ये फ्रेश मैक्स दिया हुआ है, यानी कि बोतल आप यहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, और बोतल आपस में ना टकराएं, गिरे ना, इसलिए इन्होंने साइड में सपोर्ट भी दे दिए हैं ताकि बोतल इजीली इसके अंदर आप यूज कर सकें दोस्तों। तो ये भी इसके अंदर एक यूनिक चीज दे रखी है दोस्तों। साथ में हम देखते हैं तो इसके अंदर एक हमें मिल जाती है दोस्तों, हमें जो मिल जाएगी इसके अंदर आइस ट्रे मिल जाएगी हमें इसके अंदर एक, तो आइस इजीली, आइस की वैसे भी पूरा कंपार्टमेंट के अंदर आइस ही जमती है, तो अगर आपको छोटी छोटी क्यूब्स चाहिए तो आप इसके अंदर भी आप जमा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यूज भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल और इसके अंदर हम देखते हैं
तो ये आ जाएगी रबड़ इसके अंदर। ये एंटी बैक्टीरियल कैस्केट बनी हुई होती है दोस्तों, इसे आप रिमूव करके वॉश करके रीयूज कर सकते हैं। जैसे पहले वाली ज़्यादा ख़राब हो जाती थी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं रोक पाती थी, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को भी ये रोकते हैं। और इसके अंदर देखो एक हैंडल आपको ये भी मिल जाएगा, यानी कि इस रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको दो हैंडल मिल जाएंगे, एक सामने का मिल जाएगा, एक पॉकेट हैंडल मिल जाएगा। इस रेफ्रिजरेटर के अंदर दो हैंडल भी मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों ये था इस रेफ्रिजरेटर के बारे में। तो दोस्तों अगर ये रेफ्रिजरेटर जैसा भी आपको लगा हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अप्लायंस से जुड़ी हुई जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।